काका बाबा बदान राम राम हो तुम्हारी उसमें आई मुकेश परमार खबर लेन। आज बात करनी के आज हमारा भीमराव अम्बेडकर नहीं आज जन्म जयंती से इन हाथ आज हमारी हाथ जन्म दिवस मनाया यार फूल मारा अर्पण करी सांसद हमारे हाथ से। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है उसको लेकर क्या संदेश? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के गरीबों को अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग के लोगों को सवर्णों को और सभी लोगों को जीवन जीने की एक नई दिशा दी है। ऐसे महामानव ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है जिसको एक शब्द में नहीं कहा जा सकता है। अर्थशास्त्र हो राजनीति का शास्त्र हो समाज शास्त्र हो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज तक भारतीय राजनीति में बाबा साहेब अम्बेडकर के बराबर कोई भी शिक्षित व्यक्ति नहीं है। अभी तक तो नहीं हुआ है आगे का नहीं कह सकते। दूसरा एक ये कहना है कि हमारी एक SMS न्यूज़ की एक मुहिम है जिसे आदिवासी समाज के लिए जो दहेज प्रथा लगातार ज़्यादा ली जा रही है उसको लेकर क्या आपका अपील है लोगों को? हमारे जो जनजाति समाज के लोगों में शादी ब्याह के अवसर पे या नात्रा लेके चला जाता है या कोई लड़की भागा ले जाता है उसके बाद जो वधु मूल्य लिया जाता है मैंने हमेशा से इसका विरोध किया है। हाट बाजार में गाय भैंस बकरी मुर्गी बेची जाती है बेटियां नहीं बेची जाती है। तो हमको हमारे समाज के सभी वरिष्ठों को ये समझना पड़ेगा कि हमारी बेटियां बेचने की चीज़ नहीं है। बेटियों में और बेटों में भेदभाव करना हमको बंद करना पड़ेगा। संविधान में और कानून में बेटी और बेटे दोनों को एक जैसा अधिकार है उस बात को हमको समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कोरोना के आंकड़े गांव क्षेत्रों में अभी जो सिस्टम ज़्यादातर मरीज दिखाई दे रहे हैं जिस पर प्रशासन की ओर से क्या उन्हें अपील है किस तरह की समझाई दे सकते हैं ताकि कम से कम भीड़ हो क्योंकि अभी शादी में भी ज़्यादा हो रही है और बंगाली डॉक्टरों के यहाँ ज़्यादा भीड़ हो रही है। कोरोना के रोकथाम के लिए दो प्रकार के उपाय हैं। एक उसको ऐसा बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स रोकथाम के उपाय प्रिवेंटिव मेजर्स में मास्क लगाना सैनिटाइजर का उपयोग करना सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ भरे स्थानों पर बिना कारण से नहीं जाना। ये एक है। दूसरा इस कोरोना को जड़ मूल से अगर ख़त्म करना है तो हमको वैक्सीनेशन लगाना पड़ेगी। तो हमारा पूरे समाज के सभी लोगों से समाज के सभी सामाजिक संगठनों से मेरा यह अनुरोध है कि हमको सबसे ज़्यादा जोर अभी वैक्सीनेशन पे देना है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो हमारी जान की रक्षा करेगा हम कोरोना से बचेंगे। ये जो मास्क है सैनिटाइजर है ये कोरोना को रोकेगा इसमें कोई शक नहीं पर अगर कोरोना को जड़ मूल से मिटाना है तो हमको वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से सभी हमारे भाइयों बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कोरोना का वैक्सीन का टीका जितना जल्दी आप लगवा सकते हैं उतना ही जल्दी लगवाइए। टीका लगने से आप सुरक्षित हैं आपका परिवार सुरक्षित है आपका समाज सुरक्षित है। एक अंतिम प्रश्न है कि गुजरात और महाराष्ट्र के जो मजदूर है उन्हें कहीं न डर है कि लॉकडाउन फिर देश में नहीं लग जाए और इसीलिए वो वापस पलायन लौट रहे हैं मतलब अपने घर की ओर आ रहे हैं उनको एक बड़ा डर है तो इसको लेकर क्या अपील है? देखिए राज्य शासन हो या केंद्र शासन हो दोनों सरकारों की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारे नागरिकों के प्राणों की रक्षा करना। अगर कोरोना फैलता है और राज्य शासन और भारत सरकार की अपील के बावजूद हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है
हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, हम मास्क नहीं लगाते, हम सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करते हैं, तो कोरोना फैलेगा, लोगों की जान जाएगी। उस स्थिति में लोगों के प्राणों की रक्षा करने के लिए लॉकडाउन एक अंतिम विकल्प है। यह सब कुछ नहीं, ये एक अंतिम विकल्प है। जब हमको लगेगा कि अब प्राणों की रक्षा करने के लिए इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है, तभी लॉकडाउन लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। हमारे आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर जिलेवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? बाबा साहब की जो पुण्य जन्म तिथि, इस पर मैं हमारे जिलेवासियों को से आग्रह करता हूँ कि कोरोना रूपी महामारी जो चल रही है, इससे सावधान रहे, इससे डरे नहीं, मगर सावधानी रखे, दूरी को, सामाजिक दूरी का पालन करे, मास्क लगाए, और जो टीकाकरण चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी टीका उत्सव के रूप में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाने जा रही, उसमें सभी भाई बहनों से आग्रह है, निवेदन है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, स्वयं सुरक्षित हो रहे हो जाए और पूरे परिवार को सुरक्षित रहे, यही कहना चाहूँगा। आज झाबुआ में जो आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जिला अध्यक्ष ने माल्यार्पण कर उनके जीवन शैली पर भी आग्रह किया और प्रकाश डालते हुए उन्हें अपनी बातें की। दूसरी बात यह है कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जो गुजरात व महाराष्ट्र से जो मजदूर घर की ओर पलायन लोग वापस अपने घर आ रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ फैक्ट्रियाँ या अन्य चीज़ें बंद हो रही होने की संभावना और लॉकडाउन का डर है, कहीं ना कहीं इसका भी डर सता रहा है, लेकिन इसको लेकर आज सरकारें अलग अलग राज्यों की गाइडलाइन जारी करेगी, उसमें क्या है। तो इस तरह की खबरों को हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। इस तरह की खबरें फिर हमारे बीच में आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। नमस्कार।